सो फाइनली दोस्तों गदर एक प्रेम कथा बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में झंडे गाड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दूं कि थिएटर के अंदर सारे शोज फुल है और आज और कल दोनों की टिकटें नहीं मिल रहे हैं। सब जगह दोस्तों हाउसफुल और शोज फुल चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि जिस तरह माहौल गर्म हुआ है गदर को लेकर, दोस्तों ये फिल्म गदर एक ऐसी फिल्म रही थी जिसने प्यार और मोहब्बत करना सिखाया, दो धर्मों को मिलाने की कोशिश की। और आपको बता दूं कि इस फिल्म के अंदर किसी भी प्रकार से हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं है। दोस्तों ये फिल्म हिंदू और मुसलमान को एक करती है, चाहे वो गदर एक प्रेम कथा ही क्यों ना थी और दोस्तों गदर 2 ही क्यों ना हो, इस फिल्म के अंदर आपको कहीं भी धर्म को लेकर प्रोपेगेंडा नहीं बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं देख रहा हूं, आजकल मैं देख रहा हूं कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जो इस फिल्म की अगर प्रमोशन अच्छे से नहीं कर सकते ना, तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि इस फिल्म के खिलाफ बोले, इस फिल्म के नेगेटिव रिव्यू दे। एक तबके के लोगों का समझ में आता है कि वो नेगेटिव क्यों दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि जिन लोगों पे हम ये सोच रहे हैं कि वो फिल्म नहीं देखेंगे, एक कम्युनिटी विशेष पे हम ये सोच रहे हैं कि वो फिल्म बॉयकॉट करेंगे, दोस्तों आपको बता दूं कि वही लोग इस फिल्म को ज्यादा देखेंगे और प्यार भी देंगे। ये फिल्म किसी एक कम्युनिटी विशेष नहीं रही है, ये फिल्म हर मजहब के लिए है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर दोस्तों मजहब के बारे में नहीं दिखाया गया है। इस फिल्म के अंदर सिर्फ प्यार दिखाया गया है, सिर्फ इमोशंस दिखाया गया है और ये इमोशंस किसी धर्म और मजहब से किसी भी प्रकार से नहीं लेना देना है। वही दोस्तों चाहे मैं बात करूं कुछ ऐसे ट्रेड क्रिटिक्स की, चाहे मैं बात करूं दोस्तों कुछ ऐसे बड़े यूट्यूबर की जो दोस्तों इस फिल्म के नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं। भैया अगर आपको फिल्म नहीं पसंद आ रही है, टीजर नहीं अच्छा लग रहा है, तो अगर आप इसकी प्रमोशन नहीं कर सकते ना, तो आप प्लीज यार इस पर हेट मत फैलाओ, प्लीज यार हेट मत फैलाओ। उनमें से ही एक दोस्तों एक ऐसे भाई साहब की वीडियो है जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर है और दोस्तों उनका नाम है सूरज कुमार। बेसिकली दोस्तों इनके अच्छे खासे 8 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है और मैं मानता हूं वो बहुत बड़े यूट्यूबर है। दोस्तों आपको बता दूं कि मैंने इस भाई साहब की जो भी वीडियो देखी है ऑलमोस्ट मैं फॉलो करता हूं और काफी अच्छा बताते हैं, नो डाउट। लेकिन जब भी दोस्तों जब से मैंने देखा, जब से गदर का इस भाई साहब ने रिव्यू दिया है, जब से गदर की वीडियो बनाते हैं यार, गदर में पता नहीं इनको क्या हो गया है, कोई पैसा मिला है क्या भाई गदर को हेट फैलाने के लिए, या आप व्यूज पाने के लिए ऐसा कर रहे हो कि सब तो तारीफ कर रहे हैं, चल मैं नेगेटिव रिव्यू दे दूं। भाई आपको बता दूं कि अगर आप इस फिल्म का अच्छे से प्रमोशन नहीं कर सकते ना यार, तो नेगेटिव रिव्यू मत दो। और आपके मैंने पूरा रिव्यू देखा, मैं उसको भी दोस्तों रोस्ट करूंगा, आपने उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं उस पर भी हम एक्सप्लेनेशंस में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, माफी चाहूंगा, लेकिन प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, ये बहुत खास वीडियो होने वाली है यार। और आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। मुझे पता है कि ये मैं सिर्फ प्रमोशंस अपने प्रमोशंस के लिए नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूं, किसी के बुराई कर रहा हूं, यहां मैं असलियत आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सो दोस्तों अगर मैं सूरज कुमार के इस वीडियो का रिव्यू करूं जिसमें उन्होंने थंबनेल में लिखा है सन्नी पाजी की लापरवाही, दोस्तों उन्होंने लिखा है सन्नी पाजी की लापरवाही, आप समझ रहे हो थंबनेल में कितना बड़ा नेगेटिविटी है। दोस्तों आपको लोग फॉलो करते हैं तो आप एक आइडियल है उन लोगों के लिए और आपकी हर बात लोग मानते हैं, प्लीज यार डोंट बी स्प्रेड ए नेगेटिव रिव्यू। टीजर को लेकर वो भाई सब ये बोलते हैं कि भैया 55 सेकंड का जो टीजर है ना, दोस्तों कितने बड़े बेवकूफ मार्केटिंग वाले हैं, देख रहे हो उनको बेवकूफ बोल रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं कि भाई उनमें बिल्कुल भी मार्केटिंग का डब्लू भी नहीं पता उनको, कि ये भाई साहब थिएटर में टीजर रिलीज कर दिया और अभी यूट्यूब पर डाला नहीं। मैं उनकी बात से सहमत हूं, यूट्यूब पर नहीं डाला है और आइडियली यूट्यूब पर आ जाना चाहिए था अब तक। मेरे भाई तुम जैसे 36 लोग उनकी स्टूडियो में काम करते होंगे, बुरा मत मानना, लेकिन आप खुद ही बताओ क्या ये दिमाग, क्या ये बात उनके दिमाग में नहीं आई होगी कि यूट्यूब पर हम कब डालें। आपको बता दूं कि थिएटर में एक टीजर जब रिलीज हुआ तो अनिल शर्मा ने ट्वीट भी करके बताया कि टीजर विल रिलीज सून, इसका मतलब अनिल शर्मा ने कुछ सोच समझ के तो फैसला किया होगा ना कि टीजर कब आना चाहिए। दोस्तों किसी भी एक चीज का टाइम होता है, एक सही मुहूर्त होता है, और मैं आपको बता दूं जिस तरीके से फिल्म मेकर से चीजों को एनालाइज करते हुए जिस वन बाय वन से काम कर रही है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है यार। और जिस हिसाब से गदर एक प्रेम कथा रिलीज करने के बाद इतनी ज्यादा हाइप मिल रही है, इतने ज्यादा थिएटर्स में लोगों की भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है, दोस्तों आपको बता दूं कि अनिल शर्मा बहुत अच्छा स्टेप कर रहे हैं, जी स्टूडियो बहुत अच्छा काम कर रही है दोस्तों, और सन्नी पाजी की बात ही अलग है। तो दोस्तों इन्होंने बोला कि भैया मार्केटिंग टीम को टारगेट किया कि बेकार है। वहीं दूसरा पॉइंट कि अनिल शर्मा, दोस्तों मैं बार बार इनकी वीडियो देखता हूं भाई, बार बार एक ही टारगेट करते हैं कि अनिल शर्मा का जो स्टाइल
स्टाइल ऑफ डायरेक्शन से प्रेजेंटेशन से वो 90s का है। दोस्तों आपको बता दूं कि उन्होंने बोला कि वीर फिल्म है, सिंह साहब दी ग्रेट जीनियस फिल्म है। दोस्तों ये फिल्म फ्लॉप हुई थी और उन्होंने बोला है कि उनका डायरेक्शन बहुत ही खराब है। और दोस्तों आपको बता दूं कि टीजर को लेकर भी उन्होंने कहा कि डायरेक्शन और क्वालिटी और प्रेजेंटेशन दोस्तों उनको खराब लगा है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सूरज कुमार जी क्या चाहते हो कि सन्नी देओल पाजी टीजर फाड़ के बाहर निकल जाए, 3D में देखना चाहते हो? वहां पे भाई इस टीजर के अंदर क्या डायरेक्शंस कमी लगी आपको? एक से एक बढ़िया प्रेजेंटेशंस लगा, हर वो एंगल से शॉट लिए गए थे, डायरेक्शंस कमाल का था। अब तो दोस्तों जब गदर एक प्रेम कथा को 4K के अंदर रीमास्टर्ड कर सकते हैं, आप सोचो गदर 2 के अंदर आज का क्वालिटी क्यों ना डाला यार, आज की क्वालिटी डाली भाई। और आपको बता दूं डायरेक्टर के पीछे ना आज के जनरेशन के लोग काम करते हैं। अब पुराने जमाने के लोग एडिटर काम नहीं करते कि भैया आज के डायरेक्टर है, पुराने 90s का एडिटर उठा लिया। भाई साहब जो बंदा काम जिस प्रोफेशन में होता है ना उसको आज कभी पता होता है, इसलिए कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड, यानी कि बाप बाप होता है, बेटा कभी बाप नहीं बन सकता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि उनको सब कुछ पता है। और ये बंदा बार बार ही कहता है कि यार प्रेजेंटेशन खराब है, क्वालिटी खराब है। अरे भाई क्वालिटी में क्या चाहिए आपको? अब क्या सन्नी देओल बाहर आकर ही आपको हैंडपंप उखाड़ के दिखाए, या 3D में देखना है गदर 2 तो बोलो फिर मैं अनिल शर्मा को बोलूं? तो दोस्तों ये मुझे बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और क्योंकि हर बार दोस्तों, एक बार भी नहीं, उन्होंने एक अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि जब उनके फादर इस फिल्म को देखने के लिए गए थे गदर का, तो दोस्तों वहां पे चप्पलें बाहर निकाल दी जाती थी और थिएटर में लोग दोस्तों खचाखच भीड़ होती थी और सीटें भी नहीं मिलती थी और टिकट भी नहीं मिलते थे। वो माहौल उन्होंने बताया कि वो माहौल ऐसा था। दोस्तों माहौल पहले भी गदर का था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, यानी कि हिंदुस्तान पहले भी जिंदाबाद था, अभी जिंदाबाद है और आगे भी जिंदाबाद रहेगा। तो दोस्तों ऐसे पैट्रियोटिक कल्ट क्लासिक फिल्मों के अंदर कोई माहौल नहीं चाहिए होता है यार। ये फिल्में जब रिलीज होता है तब माहौल बन जाता है। सूरज कुमार जी को समझाओ यार, समझाओ उनको। वही उन्होंने एक टारगेट और किया है दोस्तों सॉन्ग को लेकर। उन्होंने कहा कि सॉन्ग में यार उदित नारायण जी गाते तो ज्यादा अच्छा होता। भैया उड़ जा काले कावा का जो नया वर्जन है और साथ ही साथ मैं निकला गड्डी लेके, दोस्तों उड़ ये बता आपको उदित नारायण जी नहीं एक नए वर्जन में गाया हुआ है। दोस्तों टीजर के अंदर एक इमोशनल सीन है जिसमें जुबिन नौटियाल की बैकग्राउंड में आवाज आती है। और आपको बता दूं दोस्तों कि म्यूजिक कंपोजिशन मिथुन ने किया है। बड़े बड़े सिंगर है यार, जुबिन नौटियाल, पलक मुच्छल, अरिजीत सिंह के 2 लगभग गाने हैं, उदित नारायण जी के 2 गाने हैं। एक तरफ आप कह रहे हो कि डायरेक्शन क्वालिटी प्रेजेंटेशन 90 का है और एक तरफ आप कह रहे हो कि म्यूजिक के लिए उदित नारायण का ही चयन करना चाहिए। तो दोस्तों आपकी बातें ना मैच नहीं कर रही है। आप किसकी तरफ हो सूरज कुमार जी, पहले तो ये फैसला कर लो आप। तो दोस्तों उसके साथ ही साथ उन्होंने एक मजाक सेंस ऑफ ह्यूमर सरकैज़म में ये बोला है कि अगर ये गाना जो है सन्नी देओल साहब खुद गाते कि उड़ जा काले कावा तेरे, तो दोस्तों मुझे लगता है कि हम अगर किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो उनका अपमान भी नहीं करना चाहिए। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये गदर फिल्म देने वाले हमारे सन्नी पाजी ने कल्ट क्लासिक पैट्रियोटिक देशभक्ति फिल्म दी है जिसको आज भी लोग देखते हैं घर में बैठ के अपने टीवी पर, तो सम्मान से सर ऊंचा हो जाता है। आज भी जब बॉर्डर पे कोई सैनिक आर्मी इनकी फिल्म को देखता है, इनके गाने सुनता है दोस्तों, बॉर्डर 2 की गाने सुनता है दोस्तों, तो वो भी कहीं ना कहीं उनका सर ऊंचा हो जाता है और प्राउडली फील करते हैं। संदीप जी रियली इंस्पायर्ड देम। और आपको बता दूं दोस्तों कि जब ये बोल रहे हैं ना कि वीर फ्लॉप गई, सिंह साहब द ग्रेट फ्लॉप गई, दोस्तों आपको बता दूं कि अपने फिल्म सुपर डुपर हिट गई थी, डायरेक्शंस बाय अनिल शर्मा। उसके बाद दोस्तों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इसके अलावा गदर एक प्रेम कथा, दोस्तों आपको बता दूं अनिल शर्मा ने टॉप फिल्में भी दी है, तो उन फिल्मों का उनकी अच्छाइयां क्यों नहीं गिनाई जा रही है? तो दोस्तों कुछ नहीं है, सूरज कुमार जी को व्यू चाहिए, फालतू के सब्सक्राइबर चाहिए। और मुझे नहीं पता कि ये कौन से सब्सक्राइबर है, वो जरूर दोस्तों एक तबके के लोग होंगे जो शायद सन्नी देओल को पसंद नहीं करते हो। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है? अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो दोस्तों हर बंदा लाइक करेगा और हर बंदा कमेंट करेगा कि हाँ मैं सही हूं। और दोस्तों आपको लगता है कि मेरी वीडियो वाकई में अच्छी लगी है और इस प्रकार की वीडियो और लेके आओ, क्योंकि और भी ऐसे लोग हैं दोस्तों उनका मैं रोस्ट करूं, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और मैं आपके सामने नए वीडियो के साथ आऊं। तो दोस्तों क्या कहना है, गदर एक प्रेम कथा बॉक्स ऑफिस पे झंडे गाड़ रही है और गदर 2 दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे झंडे नहीं गाड़ेगी दोस्तों, ये मैं कह रहा हूं कि सबके रिकॉर्ड कायम हो जाएंगे। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, वीडियो को प्यार दीजिए, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और इसी तरह प्यार देते रहिए। जय हिंद जय भारत।